हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टू माय चैनल कॉमर्स नोट्स आज हम बैंकिंग एंड इंश्योरेंस सब्जेक्ट के इंश्योरेंस टॉपिक के एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को करने जा रहे हैं व्हाट डू यू मीन बाय सरेंडर वैल्यू ऑफ पॉलिसी ये हमें फाइव मार्क्स में फिफ्टीन मार्क्स में कॉलेज एग्जाम्स में आता है तो अगर ये आ जाए तो कैसे इसको अटैम्प्ट करना है और समझते हुए चलेंगे तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो शुरू होने से पहले आपको एक इंफॉमेसन दे दूँ कि डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक होगा आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं इस पी के लिए ये पी आफ्टर दिस लेक्चर वहाँ पर सेंड हो जाती है तो चलिए स्टार्ट करते हैं सरेंडर वैल्यू ऑफ पॉलिसी को समझना तो बेसिकली क्या बोल रहे हैं कि जो सरेंडर वैल्यू ऑफ एन इंश्योरेंस पॉलिसी का मतलब होता है एक ऐसी अमाउंट एक ऐसी अमाउंट ऑफ मनी जो पॉलिसी होल्डर को रिसीव होती है अगर वो अपना जो पॉलिसी है जो पॉलिसी उसने ली है उसको पहले ही क्या है मेचोरिटी डेट से पहले टर्मिनेट कर दे फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे आपने एक पॉलिसी ली थी जो कि पाँच साल की थी अब पाँच साल से पहले ही आपने क्या कर दिया उसको टर्मिनेट कर दिया अब उसकी मेचोरिटी कब होनी थी आफ्टर फाइव इयर्स बट उस टाइम के कंप्लीट होने से पहले ही आपने क्या कर दी उसको टर्मिनेट कर दी टर्मिनेट को ही बोलते हैं सरेंडर कर दी ठीक है तो अब टर्मिनेट कर दी तो आपके आपको आपकी अमाउंट तो मिलेगी तो जो सरेंडर करने पे आपको अमाउंट मिलेगी उसे कहते हैं सरेंडर वैल्यू ऑफ पॉलिसी ठीक है policy, तो द, अब दोबारा से पढ़ते हैं हम इसको द सरेंडर वैल्यू ऑफ इंश्योरेंस पॉलिसी का मतलब ऐसी अमाउंट ऑफ मनी जो पॉलिसी होल्डर को पॉलिसी होल्डर एंटाइटल होता है रिसीव करने के लिए वो रिसीव करता है इफ दे डिसाइड अगर वो डिसाइड कर ले कि वो टर्मिनेट कर रहा है या सरेंडर कर रहा है अपनी इंश्योरेंस uh, पॉलिसी को बिफोर मिचोरिटी डेट ठीक है या फिर उसका फुल टर्म होने वाला था मतलब फाइव ईयर होने वाले थे पर उससे पहले क्या है उसने इसको क्या कर दिया टर्मिनेट कर दिया अगर हम सिंपल टर्म में बोले इट इज़ अ कैश वैल्यू ये एक ऐसी कैश वैल्यू है दैट द इंश्योरेंस कंपनी जो कि इंश्योरेंस कंपनी आपको पे बैक करती है जो आपको देती है पॉलिसी होल्डर को देती है व्हेन दे कैंसिल द पॉलिसी अर्लियर जब क्या है पॉलिसी होल्डर क्या करता है कैंसिल कर देता है उस पॉलिसी को अर्ली मतलब पहले टाइम से पहले ही अगर उसने क्या कर दिया कैंसिल कर दिया पॉलिसी को तो फिर इंश्योरेंस कंपनी आपको एक अमाउंट देगी अब वो जो अमाउंट देगी जो कैश वैल्यू देगी उसे कहते हैं सरेंडर वैल्यू ऑफ दिस पॉलिसी ठीक है policy, तो होप आपको मीनिंग समझ आया ईजी सा है ये देन हम देखते हैं इंश्योरेंस पॉलिसी पर्टिकुलरली सर्टेन सर्टेन लाइक टाइप होल इंश्योरेंस या होल लाइफ इंश्योरेंस या यूनिवर्सल लाइफ इंश्योरेंस अ कैश वैल्यू ओवर टाइम दिस कैश वैल्यू रिप्रेजेंट द सेविंग और इन्वेस्टमेंट कॉम्पोनेंट ऑफ दिस पॉलिसी इफ यू सरेंडर जैसे कि फॉर एग्जांपल बोला होल लाइफ या फिर यूनिवर्सल लाइफ इंश्योरेंस में क्या आप क्या पैसे देते रहते तो कहीं ना कहीं आपके अकोमुलेट आप हो रहे हैं ठीक है इकट्ठे हो रहे हैं अब अगर आपने क्या टाइम खत्म होने से पहले ही क्या कर दिया उसको टर्मिनेट कर दिया सरेंडर कर दिया तो आपको क्या है एक कैश वैल्यू मिलेगी जिसको ये सरेंडर वैल्यू बोलते हैं उस पॉलिसी की ठीक है तो यहाँ बोला यू गेट बैक दिस कैश वैल्यू तो आपको वो कैश वैल्यू वापस मिलती है बट कीप इन माइंड पर ये दिमाग में हमें रखना है ये बात दैट अ सरेंडरिंग पॉलिसी अर्ली में रिजल्ट इन फी और रिडक्शन इन सरेंडर वैल्यू ऑब्वियसली बात है आप टाइम खत्म होने से पहले ही क्या कर रहे हो उसको टर्मिनेट कर रहे हो तो कहीं ना कहीं आपको क्या है थोड़ी सी फीस पे करनी पड़ेगी ठीक है या फिर आपको जो अमाउंट मिलेगी उसमें थोड़ा सा रिडक्शन करके आपको दिया जाएगा ठीक है इट इज इंपॉर्टेंट टू चेक तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है चेक करना कि जो भी टर्म्स एंड है पॉलिसीज की उसको समझें ठीक है और देखें कि कितना पोटेंशियल फाइनेंशियल इंप्लिकेशन हमें फेस करना पड़ेगा अगर हम क्या सरेंडर करते हैं पॉलिसी को उसके टाइम से पहले ठीक है तो ईजी सा कंसेप्ट है हमने क्या पढ़ा भाई सरेंडर वैल्यू क्या होती है एक कैश वैल्यू होती है जो इंश्योरेंस uh, कंपनी आपको देती है किसको पॉलिसी होल्डर को अगर पॉलिसी होल्डर क्या है बिफोर मेचोरिटी क्या है अपनी जो पॉलिसी है उसको क्या कर देता है टर्मिनेट कर देता है ठीक है अच्छा अब पहले ही आपने क्या है टर्मिनेट कर दी तो अब इंश्योरेंस कंपनी क्या करेगी uh, कुछ फीस चार्ज करेगी या फिर जो अमाउंट आपको देनी है उसी में से थोड़ा सा पैसा क्या है काट लेगी ठीक है तो ये था हमारा इंश्योरेंस पॉलिसी या फिर सरेंडर वैल्यू ऑफ पॉलिसी क्या होती है अब जैसे हम इसको एक एक्जाम्पल से भी समझते हैं लेट कंसर अग्जाम्पल कि ये जो सरेंडर वैल्यू है वैल्यू ऑफ इंश्योरेंस पॉलिसी है वो क्या होती है सपोज यू हैव अ होल लाइफ इंश्योरेंस एक पर्सन है उसका होल लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी उसने ले रखी है जिसमें वो प्रीमियम देता है उसने बहुत सारे मतलब बहुत टाइम हो गया वो प्रीमियम दे रहा है ठीक है ओवर द टाइम द पॉलिसी हैज एकटेड कैश वैल्यू अब उसकी जो कैश वैल्यू है उसकी टेन थाउजेंड हो चुकी है ठीक है टेन थाउजेंड हो चुकी है दिस कैश वैल्यू रिप्रेजेंट द अमाउंट ऑफ मनी सेट असाइड बाय द इंश्योरेंस कंपनी तो इसका मतलब कंपनी जो इंश्योरेंस कंपनी है उसके पास क्या दस हज़ार रुपीज़ पड़े हैं किसके सामने पॉलिसी होल्डर के ठीक है एंड इट मे हैव अर्न इंटरेस्ट और इन्वेस्टमेंट रिटर्न और अब जो इंश्योरेंस कंपनी है वो क्या कर रही है वो दस हज़ार अपने पास थोड़ा ना रखेगी वो कहीं ना कहीं उसको इन्वेस्ट कर रही है और उससे इंटरेस्ट कमा रही है ठीक है इफ यू डिसाइड टू सरेंडर द पॉलिसी अब क्या कर रहे हैं अगर जो पॉलिसी होल्डर है उसने डिसाइड कर लिया कि मेरे को सरेंडर करवानी है अपनी पॉलिसी मतलब पहले टर्मिनेट करनी है तो इंश्योरेंस कंपनी विल गिव यू सरेंडर वैल्यू तो आपको सरेंडर वैल्यू दे देगी विच इज टेन थाउजेंड बट हा एवर इट इज असेंशियल टू बी अवेयर दैट सरेंडिंग द पॉलिसी में इन्वॉल्व सरेंडर चार्जेस पर इसमें क्या होगा थोड़ा सा आपसे फीस या फिर चार्जेस को क्या है आपके ऊपर नहीं इंश्योर इम्पोज किया जाएगा इंश्योरेंस कंपनी के द्वारा ठीक है सो द एक्चुअल अमाउंट यू रिसीव कुड तो जो एक्चुअल अमाउंट है जो आप रिसीव करोगे वो थोड़ी लेस होगी फुल कैश वैल्यू से जैसे आपने टेन थाउजेंड वहाँ पे आपकी कैश वैल्यू थी बट आपको थोड़ा सा क्या है कम आ, मिलेगा डिपेंड करता है कि आपकी टर्म ऑफ द पॉलिसी क्या थी ठीक है तो ये इजी था एग्जाम्पल अब हम इसका वो देख लें समरी uh, तो इट इज ऑल्सो वर्थ नोटिंग दैट इफ़ यू सरेंडर द पॉलिसी अर्ली यू माइट इन टैक्स इंप्लीकेशन तो अगर हम क्या है पहले ही सरेंडर कर देते हैं पॉलिसी को ठीक है तो कहीं ना कहीं हमें टैक्स इंप्लीकेशन भी क्या है uh, देखनी पड़ती है एंड द सरेंडर वैल्यू कुड भी सब्जेक्ट टू इनकम टैक्स और जो सरेंडर वैल्यू होगी वो क्या होगी इनकम टैक्स मतलब सब्जेक्ट टू इनकम टैक्स मतलब उसमें इनकम टैक्स लगेगा देर फॉर बिफोर मेकिंग अ डिसीजन तो डिसीजन uh, लेने से पहले क्या ही एडवाइजेबल किया जाता है कंसल्ट करें अपने इंश्योरेंस एजेंट से किसी फाइनेंशियल एडवाइजर से ताकि आप फुल्ली अंडरस्टैंड कर सके कि क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस आएंगे अगर आप सरेंडर करते हो अपनी पॉलिसी को ठीक है तो ये हमारी थी समरी होप आपको एक छोटा सा कंसेप्ट था समझ आया हो कैसे इसको अटेम्प्ट करना है एग्जाम्पल के साथ समरी के साथ मीनिंग के साथ ठीक है इजी लैंग्वेज में तो अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें थैंक यू